नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द HSSC अड्डा में। देखिए, हरियाणा में लैब अटेंडेंट की बहुत सारी काफ़ी वैकेंसी निकल चुकी हैं। जैसा कि आपने हरियाणा SSC में अभी पेपर दिया है लैब अटेंडेंट का, उसकी आंसर की भी आ चुकी है, उसी के उसमें लैब अटेंडेंट की 18 वैकेंसी और लैब टेक्नीशियन के लिए और वैकेंसी निकली है। इसका जो पे स्केल है वो भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है पे स्केल इसका, 19,900 से 63,200 इसका पे स्केल रहने वाला है। इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे कि भी इसकी जो फीस है वो कितनी है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो हुआ है। जो अपना SSC का हरियाणा SSC का एग्ज़ाम पैटर्न था, उससे अलग इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, और जो क्वालिफिकेशन है वो भी इसकी अलग है। वो आप सभी इसमें वीडियो में जानेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन है। देखिए, जो इसकी एज रहने वाली है, आपने ये तो देख लिया कि इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 18 है, जनरल की 9 है, SC की 3 है, BCA 2, BCB 2, सर्विसमैन 2 हैं। इसके एज कॉल रहेगी 18 से 50 तक रहेगी एज है जो, और इसका जो रिलैक्सेशन आपकी 5 साल की रिलैक्सेशन होगी SC BC वगैरह के लिए, ये रहता है आपका जो एज से रिलेटेड रहता है। और जो इसकी फ़ीस रहेगी, फ़ीस रहने वाली है आपकी 500 रुपये है जनरल कैटेगरी मेल के लिए, और फीमेल के लिए 250 रुपये है। SC ST के लिए है मेल के लिए 125 और फीमेल के लिए रही 63। PWD के लिए कोई फ़ीस नहीं है इसकी। और इसका आवेदन की तिथि बता देते हैं, फिर हम जो कि क्वालिफिकेशन और एग्ज़ाम पैटर्न वो चेक करेंगे, देखेंगे क्या है। इसकी ऑनलाइन डेट है सबमिशन की 27, आज से स्टार्ट हो चुके हैं, और 15-11 तक ये हैं जो भरे जाएंगे। ये आपकी वेबसाइट है cblu.ac.in, ये चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में निकले हुए हैं। इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, जो इसका जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन है इसकी वो रहने वाली है आपकी 10+2, 60% होनी चाहिए आपके 10+2 में, और साइंस आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, HSSC वाला था उसमें हम 10th बेस पे था, लेकिन इसमें 12th बेस पे 60% आपके मार्क्स होने चाहिए उसमें, या फिर आपकी बैचलर डिग्री में 50% है जो मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है इसमें अलग अलग है। देखिए, जो इसमें सिलेक्शन स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 50 मार्क्स का होने वाला है, और इसमें जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी, जैसे आपने BA 12वीं कर रखी है, BSc कर रखी है, MSc कर रखी है, उनके नंबर लगने हैं 40 टोटल, ज़्यादा मैक्सिमम ज़्यादा नंबर लग सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक के 100 लगने हैं, इसलिए टोटल हो जाता है अपना, वो जाता है 100 नंबर का, ये 50, 40 और 10, ये आपका ये क्राइटेरिया रह जाता है इसमें। और जो अपना रिटन टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, स्क्रीनिंग टेस्ट, इसमें देखिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट रहने वाला है आपका 50 नंबर का, और ये 2 पोर्शन में डिवाइड कर रखा है, ये वाला ये 2 पोर्शन में डिवाइड कर रखा है, 75% जनरल अवेयरनेस और 25% है जो करंट अफेयर लिटरेचर इसके रिलेटेड कर रखा है आपका। इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग भी कर रखी है, 1/4 है जो इसकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, और ये जो फर्स्ट स्टेज पार कर लेगा, ये वाला जो फर्स्ट स्टेज है ये पार कर लेगा, तो फर्दर ये 15 टाइम्स जो पोस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जितने भी पोस्ट हैं उसके दोबारा बुलाए जाएंगे फिर ये। ठीक है, इसमें जो आपका ये रहने वाला है बी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के नंबर कैसे लगने हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आपके नंबर देखिए जैसे लगने हैं, ये लगने हैं आपके, देखिए जैसे 40 दिए हैं इन्होंने नंबर टोटल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, इसमें आपका जो 60% नंबर है, जिसके 50 से 60% 12वीं में, उसको कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, और जिसके 60 से 70% है उसको दिए जाएंगे 5 नंबर दिए जाएंगे, और जिसके 70% से ज़्यादा हैं 12वीं में उसको 10 नंबर दिए जाएंगे आपके, और बैचलर डिग्री साइंस में 50 से 60% उसको 10 नंबर दिए जाएंगे, और 60 से 70% उसको 20 नंबर, और बैचलर डिग्री में 70% है तो उसको 30 नंबर जो है इसमें दिए जाएंगे, और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया उसको 10 नंबर इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसका भी घर में जॉब वगैरह नहीं है या अनाथ वगैरह हैं उनको ये दिया जाएगा इसमें। ये आपका है जो सिलेक्शन प्रोसीजर है आपका, ये वाला इसमें रहने वाला है। ठीक है, ये सारे आपके सोशियो इकोनॉमिक के थे, और इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न था आपका ये चेंज है इसमें, जो अपना हरियाणा SSC वाला था। उम्मीद करते हैं आप ये फॉर्म को भरेंगे, जिसको भरना है भर लीजिए, अच्छी पोस्ट है, जिन्होंने भी साइंस से कर रखी है और नंबर अच्छे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियो पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी हैं जो इस फॉर्म को देख सकें और भर सकें, क्योंकि आज से ही इसकी स्टार्ट है, जो 10 से स्टार्ट हो चुके हैं भरने। और इसके लिए भी हम जो स्टडी मटेरियल अपना साइंस से रिलेटेड, ये साइंस की वीडियो पहले ही भी अपलोड कर चुके हैं, और हरियाणा करंट अफेयर की तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।